देखिए सुमन माँ, सामान की बरकत कितना बांटते बांटते मैं थक गया। ये सब देखिए, तमाम लड़के बच्चे जा रहे थे तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर सबको फ्री बैठाते हैं। क्यों? ये सुमन माँ का इसमें डीजल लग रहा है, तो सारे बच्चों को मैंने बैठा दिया है। महिलाएं बच्चे सब बैठी हुई हैं, नीचे डबल रोटी पड़ी हुई है, सब उठा के खा भी रही हैं। खा रहा मतलब जौन ये डबल रोटी बांटे के बड़े है, जैसा लेना है थोड़ा थोड़ा ले लो। सामने ये मेला मेला से लौट रही थी, और कोई हो ना तो लाओ पैसा लाओ, फलाना लाओ, हर जगह पैसा लाओ। अरे अकल के दुश्मनों, जितने ही परोपकार करोगे ना उतनी ही तेरी तकदीर मजबूत हो जाएगी। जितने बड़ा तू बेईमानी करेगा ना, बेईमानी तुझे पहले बढ़ाएगा, और बढ़ा के वो पटकना देगा। 81 साल की उम्र में मैंने यही देखा है, हजारों परिवार के अंदर चमगादड़ और कबूतरों को लटकते देखा है। बचपन में बदल राम लक्ष्मी नारायण हमारे मकान के बगल में मिसर पोखरा में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनका होता था, ये पान का मसाला। उस ज़माने में 70 साल पहले अंदाज़ा लगाओ, आज वहाँ गए तो आँखों में आंसू आ गए, बिल्कुल खंडहर लगे नहीं कि वहाँ कोई ख़ानदान में है। यही सारी चीज़ें हैं, जितना हो सके परोपकार करो। परोपकार की जबकि ज़माना नहीं है, लोग पागल कहेंगे हमको, लोगों ने पागल कहा हमारे ऊपर, विद्वानों ने भी पागल फरिश्ता नाम का किताब भी लिख डाला। तो जितना हो सके, जितने परोपकार हो सके करते रहो, कर दो बच्चा के सपना। ये लड़का ठीक है, चला नहीं पा रहा, देखिए सब ऐसे बैठा दिया गया। कहीं भी रास्ते में कोई यात्रा मिलता है, कोई यात्री, सुमन माँ जिंदाबाद, चलो भाई बैठो। तेल तो हमारे सुमन सुमन माँ का लग रहा है, गाड़ी सब दान के पैसे की गाड़ी है, मेरा क्या जा रहा है? बस मेरा जो भी खर्च हो रहा है वो मेरा पसीना खर्च हो रहा है, बस पसीना बहाए अकेले सारा मैंने भोज किया है, सोच लीजिए आप। हाँ हाँ, रोक गई, बस रोक दो रोक दो। अरे तहे दूर के लिए बैठी रही सर, धीरे धीरे उतरे, हड़बड़ाओ ना, बचा के उतरो, गिरो ना। हाँ, पहिया पर से पैर रखवा लो उनके। चलो रुक जाइए, अभी बढ़ो तो उतर जाए। हाँ जल्दी उतरो, बस ठीक, चलो इतने ही दूर के लिए लोग बैठे। चलो जो भी हो सके परोपकार होना चाहिए। चले अब रखते हैं, अभी यहाँ बाल भोज करेंगे और तीसरी चौथी फाइल बनेगी। 8 अक्टूबर 2018, अब सुदौली में अशोक हलवाई के यहाँ आ गए हैं, पानी ठंडा पियेंगे, भयंकर प्यास लगी है। बाल बच्चों को बिस्कुट बांटा और बस चलते।